भाई बहुत ही प्यारे रेड कवर, ये टैंक रेड कवर अभी जो देख रहे ब्रीडिंग पेयर्स हैं, काफी ह्यूज साइज के माशाल्लाह फिशेस हैं। तितलियां उड़ रही है आपके एक्वेरियम में। इसका पैटर्न भी बहुत यूनिक दिख रहा है, इसको जो ऊपर बॉडी अभी जो देख रहे हैं बहुत ही प्यारे पैटर्न वाले, और भाई अभी जो देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत टाइम के बाद इतने एक्टिव ब्लू डायमंड्स देखने मिल रहे हैं। सो इस्माइल भाई के यहाँ पे दोबारा से आ चुका है नया स्टॉक और काफ़ी ब्यूटीफुल फिशेस उनके पास अभी अवेलेबल है जो हम देखने वाले हैं, और क्या प्राइस तक आपको मिल जाएंगे वो भी सारी डिटेल्स उसके साथ बता देंगे। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एडवेंचर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। सो इस्माइल भाई, जैसे कि अभी नया स्टॉक आ चुका है, हमारा सेल जो चल रहा था सेल के बाद, मतलब सेल में काफ़ी सारे पीसेस तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए। सो अभी सारा ऑलमोस्ट 70% तो नए फिशेज ही है, क्या शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं मे बी। सो क्या क्या आज हम देखने वाले हैं एक बार आप बता दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं क्या क्या फिशेज हैं। भाई सबसे पहले तो सेल का काफी अच्छा रिस्पांस था, और मोर देन 80% स्टॉक निकल गया। और रही बात आज के स्टॉक में जो न्यू स्टॉक्स अवेलेबल है, आप सबसे पहले दो टैंक तो देख ही रहे होंगे, ब्लड ईगल और येलो रफलेशी और येलो डायमंड के काफी खूबसूरत पीसेस अवेलेबल है। इनके अलावा रेड कवर ब्लू रिम्स है, रेड कवर्स है, फिर किंग वाइपर्स है, सुपर वाइट बटरफ्लाई है, पैंथेरा इरप्शंस है, और सबका चाहिए ब्लू डायमंड है। ब्लू डायमंड तो है, और अपना सुपर रेड मेलस, मतलब काफी अच्छे स्ट्रेन, बहुत सारे मतलब अवेलेबल है ऑप्शंस रनिंग आइटम में है। तो बात करने से अच्छा मैं कहूंगा कि हम शूट करते, बिकॉज पब्लिक को भी यही चाहिए। देख लेते हैं एक बार क्या क्या फिशेज है, फिर बता देते हैं डिटेल्स। सो भाई अभी जो सबसे पहला टैंक देख रहे हैं इसका क्या डिटेल्स है? भाई ये ब्लड ईगल्स है, और एक पीस इसमें येलो डायमंड है। ठीक है, इनका साइज एप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस है। ठीक है, येलो का तो 5 इंचेस प्लस ही है। ओके, और इनका रेट है 4500 रुपए पर पीस। 4500 रुपीस पर पीस। यस। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ कि ये ब्लड ईगल और येलो डायमंड, राइट? यस भाई। सो कुछ इस तरीके का टैंक दिखता है येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में, थोड़ा लाइट इफेक्ट आ रहा नहीं है बराबर, बट स्टिल एक व्यू मिल जाता है। सो नेक्स्ट टैंक देखते हैं भाई। सो भाई अभी जो दूसरा टैंक देख रहे हैं इनका क्या डिटेल्स है? भाई इसमें भी ब्लड ईगल्स है। हाँ। एक इसमें हाई बॉडी येलो डायमंड है। ठीक है, और दो हाई बॉडी येलो रफलेशिया है। हाँ। और इसका भी साइज 4.5 इंच से 5 इंच तक का है। ओके, और इसमें जो रेट है वो 3000 to 4500 रुपीस पर पीस है। 3000 to 4500 स्टार्टिंग 3000। यस यस। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते थे। यहाँ पे भी एक व्यू दिखा देता हूँ रेड और येल्लो का। वो थोड़ा सा फोन पीछे कर रहा हूँ ना तो लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है भाई। अभी जो देख रहे हैं बहुत ही प्यारे पैटर्न वाले, और शेप तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट राउंड शेप, क्या डिटेल्स हैं इनका? भाई ये किंग वाइपर है, 3 किंग वाइपर टू एप्रोक्सीमेटली 4 इंचेस में। ठीक है, राउंड शेप में है और अच्छे पैटर्न में आप तो देख ही रहे हो। हाँ, पैटर्न और शेप तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और इनका रेट 2000 से 2500 रुपये पर पीस है। 2000 to 2500 रुपीस पर पीस। बहुत प्यारे पीस है यार, मतलब जो जो ट्रेंडिंग चल रहा है इस डिस्कस पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलो सही है भाई, नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। सो भाई अभी हम देख रहे हैं तितलियां उड़ रही है आपके एक्वेरियम में। सो इनका क्या डिटेल्स है? भाई ये सुपर वाइट बटरफ्लाई है। ठीक है, 2.5 inches to 4 inches में अवेलेबल है। ओके, 2.5 से 4 inches। यस। ठीक है, हाई बॉडी में है ये। हाँ। और इनका रेट 1500 से 2500 रुपये पर पीस है, 1500 to 2500 रुपीस पर पीस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन। यार एक चीज़ ये भी बता देते भाई कि जो पैटर्न है
ये ग्रो होते होते पैटर्न जो है उनका पूरा कम हो जाता है, कम हो जाता है। थोड़ी दो तीन पीसेस है मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे टैंक में, बॉडी प्लेन हो जाती है, पूरी प्लेन हो जाती है, पहले ऐसे रहते हैं। यस ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसमें भी बटरफ्लाईज है भाई? बिल्कुल भाई, इसमें भी 2.5 इंच से 4 इंच तक का है। हाँ। अभी आप ये पीस देखो। हाँ। इसका आपको पैटर्न उतना नहीं दिखेगा, चला गया ये। हाँ। पीस आप देखो, ये पीस आप देखो। हाँ। देखो पीछे देखो ये वाला। यस हाँ, उसका बॉडी मतलब क्लीन हो गया, उसपे से वो पूरे मार्किंग्स हट गए। तो जैसे जैसे पीसेस बड़े होंगे उस हिसाब से फिर पैटर्न खत्म हो जाता, प्लेन हो जाता बॉडी। सिर्फ एजेस पे उन लोग को फिन्स की यहाँ पे मार्किंग्स रहते हैं, मार्किंग्स रहती है। अब इसमें जो साइज है वो 2.5 इंच से 4 इंच तक का है। हाँ। इनका रेट 2,500 से 3,000 रुपये पर पीस है, 2,500 to 3,000 रुपीस पर पीसेस। ठीक है, ये वाले लॉट का। इसके पहले वाले yes. थोड़े छोटे से स्टार्ट थे, उनका प्राइस अलग था, राइट? यस भाई। ठीक है भाई, अभी जो नेक्स्ट टैंक देख रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव फिशेज है सारे, इनका क्या डिटेल्स है? भाई ये मिक्स लॉट में येलो क्रिस्टल है। हाँ। 14 बैंड है। हाँ। टर्कोइज है, लेपर्ड है। ठीक है, और थोड़े बहुत टर्कोइज भी है इसमें। ओके, ये 3 इंचेस to 3.25 इंचेस में, इसका फ्लैट रेट 750 रुपये पर पीस है, 750 रुपीज़ पर पीस। कोई भी पीस ले लो, कौन से पीस आप ले सकते हो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। सो भाई यहाँ पर हमारे एक्वेरियम की लाइट ख़राब हो गई है, बट फिर भी फिशेज इतने ब्यूटीफुल है कि उनको ज़रूरत नहीं है। सो इनका क्या डिटेल्स है बता दो भाई। ये 4.5 इंचेस में है। हाँ। और इनका एक मिनट मैं थोड़ा सा फ्लैश लाइट मार के आपको दिखाऊँ। इसमें लेपर्ड्स है, घोस्ट वैरायटी है, इरप्शंस है, स्क्रिबल्स है, ठीक है, गोल्डन चेकरबोर्ड्स है। हाँ। और एक आधा पीस इसमें स्नेक स्किन है। ठीक है, 4.5 इंचेस में है। Okay. इनका रेट 1,500 से 3,000 रुपये पर पीस है, 1,500 to 3,000 रुपीज़ पर पीस, देख सकते हो पीस। हाँ, पीसेस तो माशाल्लाह अच्छे है काफ़ी, खाली वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है जिस वजह से अपन नहीं दिखा पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो भाई अभी तो ये बटरफ्लाई भी माशाल्लाह बहुत हाइपर एक्टिव है, थर्ड टैंक देख रहे बटरफ्लाई का, राइट? यस भाई। इनका क्या डिटेल्स है? भाई ये भी 2.5 इंच से लेकर 3.5 4 इंच तक का है। हाँ। यहाँ है बॉडी पीस आप देखो। बराबर। इनका रेट भी 2,000 से 2,500 रुपये पर पीस है, 2,000 to 2,500। यस यस। ठीक है ठीक है भाई, नेक्स्ट देख। सो इसमें भाई देख रहे हैं काफ़ी यूज साइज़ के माशाल्लाह फिशेज हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है, अब तक जो भी देखे उनमें सबसे बड़े है शायद। यस भाई, ये अडल्ट पीसेस है। ठीक है, ब्रीडिंग साइज में। ये 5.5 से 6 इंच के पीसेस है, 6 इंच प्लस भी है कुछ कुछ पीसेस। ठीक है, आपको इसमें पैरिंग भी देखने को मिलेगा। अच्छा। हाँ, इसमें आपको टाइगर है, इरप्शन है, किंग वाइपर है। हाँ। लेपर्ड है, स्ट्रेट लाइन टर्कोइज है। हाँ। और वो पीछे वो लेपर्ड है क्या एकदम पीछे? यस, एक पीस इसमें स्किन नहीं, नहीं, भी है। कुछ अलग ही दिख रहा है यार वो, ये किंग वाइपर के पीछे, किंग वाइपर के पीछे ये वाला स्नेक स्किन। हाँ, ब्लू स्नेक है ना, बहुत भारी पैटर्न है। एक्चुअली वो पीस और इसी की पेयरिंग हो रही है। अच्छा, उन दोनों की हो रही है क्या? स्नेक स्किन की हो रही है। अच्छा अच्छा। और इनका रेट है 4,000 से 5,000 रुपए पर पीस, 4,000 to 5,000 रुपीस पर पीस। ओके ठीक है ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सो भाई ये जो नेक्स्ट लॉट देख रहे हैं थोड़े डरे हुए, इनका क्या डिटेल्स है भाई? इसमें लेपर्ड है, इरप्शंस है, स्नेक स्किन है, ब्लू डायमंड है। हाँ। ये सब 4-4 इंच में है। ठीक है। और इनका जो रेट है वो 1,600 से 3,000 रुपये पर पीस है, 1,600 to 3,000 रुपीज़ पर पीस। ओके, ये ऐसे स्नेक स्किन में है ना? यस, स्नेक स्किन में है, उसके पीछे इरप्शन है, ब्लू डायमंड है, 4-4 इंचेस में। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट टैंक देख रहे भाई, इनका क्या डिटेल्स है? भाई इसमें रेड स्नेक स्किन है। हाँ। एक पीस में गोस्ट भी है। ठीक है, इरप्शन है। ओके, और शायद एक पीस इसमें रेड कवर भी है। ओके। हाँ, एक पीस रेड कवर है। इसका साइज 4 इंच से लेकर 4.5 इंच तक का है।
रेट इसका भी 1600 से 3000 रुपये पर पीस है। 1600 से 3000 पर पीस ना, पर पीस। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। सो भाई अभी जो देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत टाइम के बाद इतने एक्टिव ब्लू डायमंड्स देखने मिल रहे हैं। शायद अपने पास ब्लू डायमंड आए बहुत टाइम के बाद, टर्कोइज़ वगैरह आ रहे थे, हो गया पिछले वीडियो में थे, बट कम कम क्वांटिटी में थे, बड़े साइज में थे ना, बड़े साइज के। क्या डिटेल्स है इनका? ये अपना 3.75 इंचेस में है भाई। ठीक है, 3.5 इंचेस में भी है ये। ओके, और इनका रेट 1200 रुपए पर पीस है, 1200 रुपीस पर पीस। इसमें अपने पास ब्लू डायमंड्स में और भी है ना, थोड़े डिफरेंट साइज में, ठीक है वो भी दिखा देते हैं। सो भाई जो नेक्स्ट ब्लू डायमंड्स की मैं बात कर रहा था यही है राइट? यस राइट। इनका क्या डिटेल्स है? ये 3.75 इंचेस में है भाई। हाँ, और इनका रेट 1400 रुपीस पर पीस है। 1400 रुपीस ईच ना? यस। ओके माशाल्लाह सारे के सारे फिशेस एकदम एक्टिव है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी छोटे साइज में चेकर बोर्ड्स देख रहे हैं, इनका क्या डिटेल्स है? ये भाई 2.75 इंचेस टू 3 इंचेस में है। हाँ, रेड पांडा चेकर बोर्ड्स, और इनका रेट 850 रुपीस पर पीस है। 850 रुपीस पर पीस। यस। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी जो देख रहे हैं भाई इनका क्या डिटेल्स है? भाई सुपर रेड मेलन्स है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 3 इंचेस में। ठीक है, और इनका रेट 800 रुपीस पर पीस है। 800 पर पीस। कुछ कुछ चेकर बोर्ड टाइप भी दिख रहे हैं जो? उसमें कुछ कुछ पीस चेकर बोर्ड है और हाई बॉडी रफलेशिया भी है। अच्छा, सो प्राइस सेम है ना सबका? यस यस, प्राइस सेम है। 800 रुपीस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सो भाई बहुत ही प्यारे रेड कवर, ये टैंक रेड कवर को ही डेडिकेट किए क्या तुमने? इसमें ज़्यादा करके रेड कवर ही देखने मिलते हैं। सो इनका क्या डिटेल्स है भाई? इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस में, 4.5 टू 5 इंचेस में अपने को रेड कवर, ब्लू रिम्स और रेड कवर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनका रेट 3500 रुपये पर पीस से लेकर 4500 रुपये पर पीस है। 3500 से 4500 पर पीस। यस भाई। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सो भाई अभी जो देख रहे हैं येल्लोस, इनका क्या डिटेल्स है? भाई येल्लो डायमंड है 2.5 इंचेस टू 3 इंचेस में। हाँ, और इनका रेट 700 रुपीस पर पीस है। 700 रुपीस पर पीस। इतने ही पीस बचे ये? बहुत सारे थे ना ये, करीब करीब 80 पीसेस अवेलेबल थे। अच्छा, अभी ये लास्ट इतने, ये 12-15 पीस अवेलेबल है। ओके ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सो भाई अभी देख रहे हैं इनका क्या डिटेल्स है? भाई इसमें फाइन लाइन स्नेक स्किन अवेलेबल है। ठीक है, रेड स्नेक स्किन अवेलेबल है, एक पीस इसमें गोस्ट का है। ओके, और दो पैंथेरा इरप्शन अवेलेबल है। ठीक है, पैंथेरा इरप्शन है वो 3 इंचेस टू 3.5 इंचेस में, बाकी सब 4.5 इंच प्लस है। ओके, और इनका रेट 1600 से 3000 रुपए पर पीस है। 1600 टू 3000 रुपीस पर पीस। 1600 टू 3000 ना? यस। ये इसका पैटर्न भी बहुत यूनिक दिख रहा है, इसको जो ऊपर बॉर्डर देखो ना कैसा है, फाइन लाइन स्नेक। हाँ, ये वाला दूसरा है ना फाइन लाइन में? yes, पीछे पीछे पीछे, बहुत खूबसूरत है, मतलब एक ब्लू कलर की रिंग जैसा आ रहा है। हाँ, थोड़ा अलग सा उन लोगों को पैटर्न आ रहा है डॉर्सल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। सो इस्माइल भाई अभी जो देख रहे ब्रीडिंग पेयर्स है? yes, भाई क्या डिटेल्स है इनका? भाई लेपर्ड में 6 इंच के पेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, प्रूवन है, बॉडी पे बेबीज लिए हुए हैं। ये डर गए थोड़ा भी अपन आए तो। ये दोनों का 10000 रुपए पर पेयर रेट है। 10000 रुपीस ईच पेयर ना? यस यस भाई। लगता है इन लोग ब्रीडिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं। दोनों लेपर्ड्स है ना? दोनों लेपर्ड्स है भाई। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सो इस्माइल भाई सारे फिशेस तो हमने देख लिए, और हमेशा की तरह स्टॉक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, क्वालिटी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है। सो और बाकी जैसे हमारे व्यूअर्स को क्या बताना, एक बार स्टोर का लोकेशन भी चाहिए तो बता दीजिए, वो भी बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। भाई अपना स्टोर का लोकेशन सबसे इजी बोलता हूँ मैं। हाँ, जैसे कि आप बाय रोड आ रहे हो। हाँ, आपको सीधा सिंपल गूगल मैप पे एस डिस्कस हैचरी डालना है, आपको एकदम प्रॉपर लोकेशन मिलेगा। हाँ,
एसपी रोड पे कैफे कल्चर होटल है, उसके जस्ट अपोजिट में ब्लैक कलर का बोर्ड है जिसपे लिखा है रामजनक सिंह कंपाउंड। मैं वापस रिपीट करता हूँ, रामजनक सिंह कंपाउंड, उसके अंदर आपको एंटर करना है। फर्स्ट राइट लेके आप उधर पे आके कॉल भी कर लिए तो कॉल कर लिए, और अगर कॉल भी नहीं करे आपको सिर्फ इतना पूछना है इस्माइलिया घर कहाँ पे है, कोई भी आपको बता देगा। ठीक है, और जोगेश्वरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट, हाँ जोगेश्वरी वेस्ट, या अगर जैसे कोई आप बाय ट्रेन आ रहे हो, आपने जोगेश्वरी स्टेशन उतरा, अगर आप विरार साइड से आ रहे हो और टुवर्ड्स बोरीवली, तो आपको राम मंदिर नजदीक पड़ेगा। अच्छा, राम मंदिर। अगर आप चर्च गेट, हाँ चर्च गेट साइड से आ रहे हो आप, तो जोगेश्वरी नजदीक पड़ेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जोगेश्वरी से मैं कहूंगा, जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर है और राम मंदिर से 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस सेम ही है। और आपको जब आप वहाँ से रिक्शा पकड़ोगे तो आपको सिर्फ ये बोलना है रिक्शे वाले को, ओशिरा ओल्ड फर्नीचर मार्केट, ओल्ड फर्नीचर मार्केट, यस, आप उसको बोलो एसवी रोड पे ओल्ड फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे आप आओ, या ओशिरा पेट्रोल पंप भी बोलो एसवी रोड वाला, वहाँ पे आप आके मुझे कॉल करो। बहुत मतलब बहुत इजीली आप यहाँ पे आ सकते हो, और मैंने तो अभी हाल फिलहाल बाहर बैनर भी लगा दिया हूँ, बोर्ड भी लगा दिया हूँ, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। ठीक है, और शिपिंग वगैरह का भी भाई? हाँ, शिपिंग का मैं बता दूं भाई, जैसा कि पिछले वीडियो में ऑफर था आपका ये 1200 रुपए में आप शिपिंग कर रहे थे विद लाइफ एज गारंटी, तो बराए मेहरबानी पुराने वीडियो के लिए था, अभी अपना जो नॉर्मल शिपिंग है 1500 रुपए वही रहेगा विद लाइफ एज गारंटी। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर देखो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने वीडियो देखा है तो इंक्वायरी करते, बिल्कुल। तो वीडियो के एंड में मैं यही बोलता हूँ, जो अपना शिपिंग चार्जेस है वो 1500 है, आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ मुंबई जैसे पुणे के लिए भी है तो भी आपको 1500 ही देना पड़ेगा। और अगर आप आपको अगर जैसे लगता है तो मैंने दूसरा ऑप्शन भी रखा हो कि आप या तो खुद आके ले जाए वो सबसे बेस्ट होता है, या फिर अगर जैसे आपके कोई पहचान वाले या रिश्तेदार या दोस्त जो भी यहाँ पे रहता है उन्हें कहिए आके आप मतलब सामने से सिलेक्ट करके मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा, फिशेज आप मुझे सिर्फ मच्छियों के पैसे देना, बाकी शिपिंग जो भी है वो बंदा करेगा। ठीक है, वो तो क्लैरिटी दे दिए। और और कुछ है जो हमें ऐड करना है वीडियो में? हाँ, और ये है भाई कि आपको जो भी मच्छी पसंद आती है, जो भी फिश पर्टिकुलर पसंद आती है, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए मुझे दे दीजिए। कई बार ये होता है आप कॉल करते हो और आप बोलते भाई वो वाली अवेलेबल है, ये वाली अवेलेबल है, अब देखो करीबन मेरे हेचरी पे एट प्रेजेंट मैं बोलता हूँ 500 मच्छी है। 500 मच्छी में से आप बोलोगे भाई वो चेकरबोर्ड अवेलेबल, चेकरबोर्ड में भी दो साइज है, अभी आपने देखा है 2.5 इंच वाले अवेलेबल और ये 5 इंच वाले अवेलेबल, तो उसमें भी मतलब स्पेसिफिकली अगर आप बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो खास करके आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। और अगर ऐसे वो अवेलेबल है तो हम टूवर्ड्स ऑर्डर प्रोसीड कर सकते हैं और फटाफट आपका काम हो जाएगा, मेरा भी काम। और 15 अगस्त का जो रिस्पांस था काफी अच्छा था, आप अगर स्टॉक देखे तो मोर देन सब नया ही दिख रहा होगा। यस यस, पुराने शायद दो टैंक कवर किए, दो से तीन टैंक पुराने बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट माल पूरा निकल चुका था, इसलिए जैसे कि मैंने कमेंट में देखा पब्लिक को कस्टमर्स को रेड कवर्स चाहिए था, सुपर वाइड बटरफ्लाई के लिए, तो मेरे पास में काफ़ी मेरे जो पुराने कस्टमर है उन्होंने भी कहा था कि सुपर वाइड बटरफ्लाई चाहिए था, वो क्वालिटी में मुझे नहीं मिल रहा था और काफ़ी मतलब बेबी से मिल रहा था तो उस हिसाब से मैंने लिया नहीं, बट अभी हो गया अवेलेबल, ये सब भी हो गया है और अच्छी खासी क्वांटिटी में हुआ है, ब्लू डायमंड भी हुआ है, किंग वाइपर भी हुआ है और खास करके सबके फेवरेट ब्लड ईगल्स भी हुआ है, तो जैसा भी है आप बता सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हो, हम उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे। ठीक है भाई, सो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा फिशेस को मैं यहां बुला रहा हूं, टैंक बहुत खाली दिख रहा था, ये एक्चुअली वहां पे खाना है और ब्रीडिंग स्लेट।
ठीक है, सो एंड करता हूँ भाई वीडियो को, थैंक यू सो मच। सो बस गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जिस भी फिश में आप इंटरेस्टेड है उसके लिए आप इस्माइल भाई को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर दीजिए, और जो भी फिश आपको चाहिए उसका स्क्रीनशॉट भी उन्हें भेज दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी फिश कीपिंग।